हेलो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड क्लास टेंथ सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण पेपर इस वीडियो में आप सभी को सॉल्व करवाने वाले हैं। 25 मार्च 2023 को आप सभी का राजस्थान बोर्ड क्लास टेंथ सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर है और सामाजिक विज्ञान के ऐसे प्रश्न जो कि 25 मार्च 2023 को हुबहू आपको बोर्ड के पेपर में मिलने वाला है, ऐसे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये मॉडल पेपर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो सभी स्टूडेंट, अभी तक आपने इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आरबीएससी 10th क्लास जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, सभी की एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट बेहतरीन जो क्लास है आपको मिलने वाली है, यानी एग्जाम के पेपर तक आपको संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, आरबीएससी 2023 का जो टेलीग्राम जो चैनल बनाया है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और आप हमारी वेबसाइट rgstudymonitor.com, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जहां से आप इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर विद सॉल्यूशंस डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने यहां पर पेपर है सामाजिक विज्ञान का, जो कि सेक्शन यहां पर आप देख सकते हैं, ए जो सेक्शन है आपके 80 नंबर का जो है बोर्ड का जो यहां पर पेपर आएगा, ठीक है, 80 नंबर का पेपर आएगा, लगभग 28 से 30 प्रश्न जो है यहां पर होंगे और यहां पर तीन घंटे 15 मिनट का आपको जो यहां पर समय मिलने वाला है, यानी बोर्ड एग्जाम के पेपर को हल करने का जो समय है वो है 3 घंटे 15 मिनट है। किस प्रकार से 3 घंटे में आपको यहाँ पर पूरे के पूरे सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों को हल करना है, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे जो पहले जो क्वेश्चंस आएंगे, यानी 1 से 10 तक जो यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और आप सभी को पता है तो आपका बेनिफिट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो आप आसानी से उनको जो है टैगल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आ सकता है 25 मार्च 2023 की सामाजिक विज्ञान के पेपर में आपको हुबहू ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी इरविन का समझौता हुआ था, 5 सदस्यों को लेकर जो यहां पर एक बैठक हुई थी महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में, जो है यहां पर ये समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, ठीक है। इससे संबंधित जो इधर गिधर की जितनी भी जानकारी है उनको भी आपको ध्यान में रखना जरूरी होगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले वो यहां पर आप देख सकते हैं हिंदी में, जो इंग्लिश में यहां पर लिखा हुआ है तो उससे जो है यहां पर आप समझ ले, हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज एक ऐसी जो पुस्तक की जिसके माध्यम से लोगों में क्या है स्वतंत्रता के प्रति जागरूकति जो है जागृति लाने का जो है कार्य किया है इस पुस्तक ने, तो इसके जो लेखक जो राइटर थे वो कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। यहां पर आपका जो है यहां पर सी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, वो रोट द हिंद स्वराज, तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, विश्व में एक आर्थिक मंदी जो है छा गई थी जिसकी वजह से भारत जो है यहाँ पर काफी, भारत देश भी जो है काफी प्रभावित हुआ, आर्थिक मंदी में काफी प्रभावित हुआ, इसके क्या क्या प्रभाव के क्या क्या कारण थे, किस प्रभावित की क्या स्थिति रही थी, संपूर्ण यहाँ पर आपको विवरण पढ़ना होगा। तो 1929 से, ठीक है, आर्थिक मंदी की शुरुआत होती है जो कि यहाँ पर 1934 तक भीषण आर्थिक मंदी रहती है जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो विश्व है वो आर्थिक स्थिति से कमजोर हो चुका था, आर्थिक मंदी से जो है पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। यहां पर मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने की जो यहां पर तादाद में है उन सभी पर डिस्कस कर रहा हूं जिससे आपका अच्छे से अच्छे जो है आपकी स्टडी हो सके, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास पढ़ने का समय नहीं है कि आप पूरी बुक को टटोले, पूरी यहां पर जो रामायण पढ़े, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको अब स्मार्ट स्टडी पर जो है फोकस करना होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को पढ़ना होगा। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र जो है वो कहां पर स्थित है, भारत का पहला लौह इस्पात, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो जमशेदपुर में जो यहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है, जमशेदपुर में स्थित है, ये इसका जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर बंगाल गजट जो है पत्रिका का संपादन किसने किया था, इसका जो संपादन है जो एडिटेड है वो किसने किया था, बंगाल गजट पत्रिका जो है यहां पर प्रथम अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। यहां पर याद रखना है कि आपको जो बंगाल जो गजट है वो किस भाषा की पत्रिका थी, तो एक अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी जो कि प्रथम थी। तो बंगाल गजट पत्रिका का संपादन जो है यहां पर जेम्स अगस्त हिक्की ने किया था, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। आप सभी को पता होगा अलग अलग दलीय व्यवस्था होती है, एक दलीय, दो दलीय, गठबंधन, बहुत सारी होती है। तो यहां पर मल्टी पार्टी यानी हमारे यहां पर कौन सी दलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है, जैसे कांग्रेस हो गया, बसपा, जो यहां पर बीजेपी है, इस प्रकार से अलग अलग दल है, तो इसलिए जो है बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो यहां पर बहुदलीय व्यवस्था इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन से आप सभी के सामने सामाजिक विभाजन अधिकांश है वो आधारित होता है कि समाज का क्या होता है, सोशल डिविजन होता है, क्या होता है, समाज का विभाजन होता है। तो वो सामाजिक विभाजन कब होता है, तो जब जन्म दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो यहां पर सामाजिक विभाजन की स्थिति बनती है। जन्म दर बढ़ेगी, सदस्य बढ़ेंगे, तो समाज का क्या होगा, विभाजन होगा, अलग अलग यहां पर क्या बढ़ेंगे, परिवार बनेंगे। मृत्यु दर से क्या होता है, सामाजिक विभाजन नहीं होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है, बहुत सारे कंफ्यूजन होता है। तो यहां पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आप सभी के सामने जितने भी इंपॉर्टेंट है वही मैं आप सभी को डिस्कस करवा रहा हूं। उपभोक्ता शोषण का जो मूल जो कारण है वो क्या है, कि उपभोक्ता शोषण का कैसे होता है शोषण, उसका जो मूल जो कारण है, तो यहां पर एकदम जो रूट कोष है वो क्या है, तो यहां पर अशिक्षा, अशिक्षा के कारण क्या हो जाता है, उपभोक्ता का शोषण होता है, क्योंकि उनको जो यहां पर एमआरपी उन सभी का जो है यहां पर नॉलेज नहीं होता है, और इसकी वजह से अशिक्षा के कारण क्या होता है, उपभोक्ता का शोषण होता है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की जो आवश्यकता है वो मुख्यतः किस लिए होती है, तो आवास के लिए होती है, या फिर फसल उद्योगों के लिए होती है, पारिवारिक आय के लिए होती है, या फिर विदेशी यात्रा के लिए होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की कर्ज जो की व्यवस्था जो होती है वो फसल उद्योगों के लिए होती है, और यदि शहरी क्षेत्रों में कर्ज की जो आवश्यकता होगी वो व्यापार के लिए होगी या फिर अन्य कोई व्यवसाय के लिए होगी। तो यहां पर इतना आपको इससे क्लियर कर देना है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किससे कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो गन्ना का किया जाता है, सुनापत्र का किया जाता है, या फिर लो अयस्क का किया जाता है, या फिर बॉक्साइट का किया जाता है। इसका सही आंसर आप सभी को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। 25 मार्च 2022 सोशल साइंस का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे ही आपको हुबहू जो है क्वेश्चंस हुबहू 25 मार्च 2023 के सोशल साइंस के पेपर में मिलने वाला है, हुबहू ये प्रश्न मिलने वाला है। तो अभी तक आपने हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया आरबीएससी 2023 का, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। निम्न में से कौन से विभिन्न देशों के बीच जो परस्पर जो संबंध है वो तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है, तो क्या निजीकरण है, क्या राष्ट्रीयकरण है, या उदारीकरण, या फिर वैश्वीकरण है, तो यहाँ पर वैश्वीकरण आ जाएगा, ठीक है। विभिन्न देशों के बीच, यदि यहाँ पर विभिन्न राज्यों के बीच होता तो वो होता राष्ट्रीयकरण, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जो यहाँ पर अब की बार का जो पेपर का जो पैटर्न है वो काफी अच्छा पैटर्न है, जिससे आपके अच्छे स्कोर जो यहां पर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत से विदेशों में भेजने वाले जो श्रमिक है, भारत से विदेशों को भेजे जाने वाले जो श्रमिक है उनको किस नाम से जाना जाता है, तो आपने एक शब्द पढ़ा होगा, आपने यदि सोशल साइंस को अच्छी तरह से पढ़ा है तो एक शब्द पढ़ा होगा गिरमिटिया, क्या हो जाता है, गिरमिटिया। तो गिरमिटिया जो है यानी भारत से विदेशों को क्या भेजे जाते हैं, श्रमिक भेजे जाते हैं, और उन श्रमिकों को गिरमिटिया के नाम से जाना जाता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, कि धर्म और राजनीति अलग नहीं है, ये एक ही है और इसको अलग नहीं किया जा सकता। ये शब्द जो है वो महात्मा गांधी जी ने कहे थे, किसने कहे थे, महात्मा गांधी जी ने कहे थे, ये शब्द कहे थे कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। औसत आय को आय भी कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय भी औसत आय को ही कहा जाता है, कि प्रति व्यक्ति जो आय है उसको औसत आय कहा जाता है। भारत में करेंसी कौन जारी करता है, तो आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत के
की करेंसी को क्या करता है, जारी करता है, इश्यू करता है। नेक्स्ट यहां पर आपको अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न मिलेंगे, यानी 1-2 लाइन में जो है आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा। तो यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, ज्यादा आपको जो है डिस्क्राइब नहीं करना है, जो पूछा गया है वही आपको सटीक जवाब देना है। ठीक है, आपको यहां पर प्रश्न कोई दूसरा पूछ रहा है, जैसे प्रश्न पूछ रहा है यहां पर आप देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था इसके कारण लिखिए, और आप लिख रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण है, तो ऐसे आपको नहीं लिखना है। आपको जो प्रश्न पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग एकदम सटीक और कम लाइन में आपको जवाब देने की कोशिश करना है, और जहां तक हो सके जिन क्वेश्चंस में पॉइंट बन रहे तो आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट वाइज क्वेश्चंस को यहां पर आंसर को लिखे, आंसर को डिस्क्राइब करें, जिससे आपके जो मार्क्स है और एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसको भी काफी जो है यहां पर मार्क्स देने में आसानी रहेगी, वो इतना उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी पूरी की पूरी रामायण को पढ़ सके। यहां पर आप देख सकते हैं 1880 के दशक में उच्च जाति की नारियों की दयनीय जो दशा के बारे में लिखने वाली जो महाराष्ट्र की दो महिला है उनका आपको नाम लिखना है। तो एक का यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ, नाम ताराबाई चिंदे। ठीक है, जिसने 1880 के दशक में जो उच्च जाति की जो नारियाँ थी उनकी क्या क्या दयनीय जो स्थिति रही हुई है उसके बारे में कुछ लिखा है। तो महाराष्ट्र की जो दो महिला थी जिसमें से एक ताराबाई चिंदे है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को एक बार बता दे रहा हूं। जूट का क्या उपयोग है, यानी जो जूट है, जूट जो होता है उसका क्या क्या उपयोग है आपके अनुसार, बाढ़ रोकने के क्या क्या एक उपाय आपको बताना है कि बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है। व्यापार किसे कहते हैं, व्हाट इज ट्रेड, ट्रेड क्या है, व्यापार क्या है, तो वस्तुओं का जो है विनिमय यही एक क्या है, व्यापार है। क्षेत्रीय दल क्या है, लोकतंत्र के क्या क्या लाभ है, लोकतंत्र की क्या दो चुनौतियां हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी को आपको डिस्क्राइब करना होगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं चक्कल घरेलू उत्पाद जो है वो किसे कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र के जो आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर तीन क्षेत्र होते हैं, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक, एक होता है तृतीयक। तृतीयक में व्यापार, यातायात, मनोरंजन आदि जो है यहाँ पर वर्ग आते हैं, और प्राथमिक में कौन से आएंगे, द्वितीयक में कौन से आएंगे, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, वो पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो आपको यहां पर इसका एकदम यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए, UNDP के द्वारा। किसके द्वारा जो है यहां पर प्रकाशित की जाती है, UNDP के द्वारा जो है यहां पर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास जो कार्यक्रम है इसके तहत जो है यहाँ पर एक मानव विकास रिपोर्ट तैयार होती है और उसके द्वारा ही क्या की जाती है, पब्लिश की जाती है। अब आपको जो है लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं रूमानीवाद क्या है, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है, सुभेद जातियां क्या होती हैं, इसके कोई दो उदाहरण दीजिए, बहुउद्देश्य परियोजना उसकी जो है यहाँ पर दो लाभ है, रबी व खरीफ फसल किसे कहते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आप जायद की जो फसलें हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अंतर जो है स्पष्ट करें, ये जितने भी इंपॉर्टेंट है जिसकी शब्द सीमा आपको 50 शब्द सीमा में इसका आपको आंसर लिखना है। आंसर को सटीक लिखे, एकदम अच्छे से लिखे, जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी लिखना है। इधर की तरह की आपको बातें फालतू जो है यहां पर आपको लिखने की कोशिश नहीं करनी है, ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, जितना आप सटीक लिखोगे, जितना आप सही लिखोगे उतने ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अभी जो है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ, इस 2023 25 मार्च 2023 सामाजिक विज्ञान के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट इनमें से जो क्वेश्चन है वो मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। एक अब की बार जो यहाँ पर आर्थिक विकास को आपको ज़्यादा फोकस करना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, और यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की आपको अच्छे से डेफिनेशन जो है वो आपको देनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे श्रेयों को आवश्यकता को समाप्त कर देती है, वो आपको किस क्या क्या करनी है, एक्सप्लेन करना है, उसको आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर उदारवादी राष्ट्रवाद को लेकर भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके रिलेट में आपके 3 से 4 प्रश्न आपको जरूर आएंगे। इसका जो पेपर का जो मार्किंग का जो ब्लूप्रिंट है वो भी आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो उसके माध्यम से ब्लूप्रिंट को देखकर आप जितने भी जिस लेसन से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ ले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक यहाँ पर आपको जो है मानचित्र दिखाई देगा, तो मानचित्र में वडोदरा और रावत भाटा और जो तूती कोरिन जो है और गांधीनगर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये चारों इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पर अथवा में भी जो है आपको दिया जाएगा, तो ये भी आप जो है अच्छी तरह से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी के सामने जो है, यहाँ पर कुल आपको 23 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें स्थानीय शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तर जो है कौन कौन से, इसके गठन की प्रक्रिया वो भी आपको बतानी होगी। तो ये पूरा का पूरा 25 मार्च 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था। आगे भी आपको इसी प्रकार से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और सामाजिक विज्ञान को लेकर भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर मिलने वाले हैं। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज्वाइन कर दिए टेलीग्राम चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमारी वेबसाइट के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर है उन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं विद सॉल्यूशंस। थैंक्स ऑल ऑफ यू।